काफी टाइम से रिक्वेस्ट करते हैं कि टिंकू भैया आप स्मार्ट टीवी पे डील स्टार्ट करिए, तो आपकी रिक्वेस्ट पे मैं आज जो वीडियो बना रहा हूँ वो है जेबियॉन का 32 इंच स्मार्ट टीवी। ये देख रहे हैं आप, ये विविट सी है, मॉडल नंबर इसका विविट सी है 32 इंच में। इसकी खासियत क्या है, स्मार्ट टीवी का बेनिफिट ये है कि आप इसमें देखा जाए, आप खुद देख सकते हैं YouTube की एप्लीकेशन है, हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स, स्मार्ट टीवी है, और एंड्रॉइड का जो वर्जन है इसका मैं बताना चाहूंगा वो है 6.0। इसमें अगर मैं पोर्ट की बात करना चाहूं तो इसमें दो HDMI के पोर्ट हैं, दो USB के पोर्ट हैं, PCA VGA का इनपुट है, दैट्स मीन अगर आपने कंप्यूटर डेस्कटॉप से चलाना है तो आप इसको चला सकते हैं। बाकी ये ग्रीन डिवाइस में आता है स्मार्ट, इसका रिमोट है, और फिलहाल आप देखिए मैं आपको दिखाता हूँ इसमें इसकी MRP दिखाता हूँ आपको, आप MRP देखिएगा, इसका जो MRP है वो है 26,900 रुपये, और ये जो प्रोडक्ट आता है 2 साल की मैन्युफैक्चर वारंटी के साथ आता है। और निश्चित रहिए अगर आप टिंकू भैया से लेते हैं, हमसे लेते हैं शिव इंटरनेशनल से, आपको जो बिल मिलेगा वो टैक्स पेड बिल मिलेगा, डिलीवरी फ्री है, शिपमेंट ऑल ओवर इंडिया के लिए होती है, और EMI की फैसिलिटी भी है हमारे पास, कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा भी है हमारे पास। तो चलिए अभी काम करते हैं, इसमें थोड़ा सा मैं आपको अनबॉक्स करता हूँ, आपको दिखाता हूँ, और आप देखिएगा, ये देखिए एक्सेसरीज में क्या क्या मिलते हैं मैं दिखा देता हूं आपको, ये देखिएगा, ये देखिए वारंटी कार्ड है, बाकी हमारा जो बिल होगा वही मोर देन सफिशियंट है, बिल आपको जो टैक्स पेड बिल मिलेगा, वारंटी तो 2 साल की तो मिलती ही है, एज पर मैन्युफैक्चर पॉलिसी के अनुसार वारंटी मिलेगी। अगर मैं ये 2 स्टैंड हो गए फ्रेंड, और इसके स्क्रूज हो गए, ये टेलीविजन के नीचे लगते हैं, और रिमोट कंट्रोल की बात करिए, देखिए कितना प्यारा और क्यूट सा है, YouTube का बटन दिया हुआ है, आपको अलग से चलाना तो आप YouTube का बटन चला सकते हैं, सो YouTube चलेगा, बट करना क्या है आपको, आपको वाईफाई से पहले सिस्टम कनेक्ट करना पड़ेगा। ये देखिएगा नेटफ्लिक्स, बाकी होम का बटन है, और बाकी लुक वाइज तो काफी क्यूट है। एनी हाउ चलो आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया इसमें एसेसरीज के बारे में, एसेसरीज क्या क्या है, 2 स्टैंड है, पेचेस है, और एक यूजर मैनुअल टाइप का कुछ दिया हुआ है इन्होंने, और अब मैं थोड़ा सा इसको बाहर निकालता हूँ टेलीविजन को, थोड़ा सा आपको आइडिया लग सके। और फ्रेंड आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं ना तो आप प्लीज अगर चैनल हो सके सब्सक्राइब करिएगा, ये वीडियो जो अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करिएगा। ये देखिएगा इसको हम निकालते हैं टेलीविजन को, और एक साथ में इन्होंने कुछ दिया हुआ है, लेट्स सी ये देखते हैं क्या है क्या नहीं, ओपन करके देखेंगे तो ही पता चलेगा, थोड़ा सा आइडिया लग जाए। ये देखिए ये कुछ एंगल्स टाइप में हो सकते हैं, लेट्स सी क्या है क्या नहीं, ये देखिएगा ये इन्होंने दिए हुए हैं, ये साथ में एसेसरी दी है, हो सकता है लगाने के लिए, जैसे भी आप देख लीजिए, आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया। चलो मैं थोड़ा सा टीवी खोलता हूँ, थोड़ा सा और आइडिया लग सके, और बताने की मैं पूरी चेष्टा करता हूँ। चलो मैं आपसे काम करता हूँ, थोड़े बहुत पोर्ट्स वगैरह देख लेते हैं, पोर्ट कहाँ पे क्या क्या है, ये देखिएगा, इसको मैं ऐसे पकड़ लेता हूँ टेलीविजन को, ये देखिए एक तो ये केबल है नंबर 1, ये केबल है, अगर मैं थोड़ा सा इसको ऐसे करता हूं, ये देखिएगा इस तरफ से आपको आइडिया लग सके। ये देखिए ये अपना, ये देख रहे हैं RF, जो पुरानी जो ये केबल की कनेक्टिविटी होती थी आप यहां पे लगा सकते हैं, बट अभी आजकल तो सेटअप बॉक्स आते हैं तो आप इसके थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। ये अपने 2 HDMI वाले, ये अपना कंप्यूटर डेस्कटॉप वाला चला सकते हो, यहां से अगर आप लैन केबल लगाना चाहें तो आप लैन केबल लगा सकते हो। तो एटलीस्ट थोड़ा सा आपको आइडिया तो हुआ फ्रेंड, नंबर 1। इसको मैं थोड़ा सा और टिल्ट करता हूं टेढ़ा, 2 USB सपोर्ट है, ये देखिए 2 USB लगा सकते हैं, ये मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं, प्लस ये देखिए ऑक्स का ऑप्शन दिया हुआ है, सही है ना, कितना प्यारा है, एयरफोन लगाना चाहें लगा सकते हैं, और ये देखिए क्वेक्स आउट और ये सब, तो एटलीस्ट आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया। तो चलो क्यों ना अब एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा मैं इसको चला के देखेंगे, थोड़ा सा हम इसको चला के देखेंगे,
थोड़ा सा आइडिया लग सके कि है कैसा एग्जैक्टली। ठीक है सर, देखिएगा। चलिए फ्रेंड, मैं भी एक काम करता हूँ, जो हम ये जो टेलीविजन है उसकी कनेक्टिविटी के बारे में बेसिक आइडिया देता हूँ, एटलीस्ट आपको लेने से पहले आइडिया लग जाएगा। अगर आपको ये प्रोडक्ट बाय करना हो तो आप tulipsmile.com से बाय कर सकते हैं, TULIPSMILE.com। ये देखिए, जैसे कि आप जानते हैं JBON एक नेशनल ब्रांड है और इसका रिमोट काफी प्यारा है। अगर मैं इसकी बात करूं, इसमें सेल किस टाइप के डलते हैं आपको आइडिया लगना चाहिए। इस प्रकार के सेल डलते हैं, आपको सेल अलग से डालने पड़ेंगे, इसमें इसका सेल नहीं आते। रहा सवाल इसकी कनेक्टिविटी के बारे में बताना चाहूंगा, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये मेरा सेटअप बॉक्स है डेन का, और इसका जो केबल है वो HDMI का है, तो मैंने HDMI का केबल इसके HDMI पोर्ट 1 में डाला हुआ है। ये कनेक्टिविटी के लिए हो गया, ठीक है। तो अगर इसको अपने चलाना है या जैसे भी, अब HDMI में आ गया, तो अगर आपने बात ध्यान दे रहे होंगे तो लेफ्ट साइड में जैसे मैंने ऑन किया, ये होम स्क्रीन है, ये बटन दबाएंगे ना, ये होम का बटन होता है, होम में आ जाते हैं। और इसमें अगर आप लेफ्ट साइड में देखेंगे कि VGA में तो कनेक्टेड नहीं है, मतलब IMDC कंप्यूटर डेस्कटॉप में पोर्ट में तो लगाया नहीं है, और हमने लगाया हुआ है HDMI ऑन पे, यहाँ पे टिक मार्क आ गया। कितना अच्छा ऑप्शन है, एटलीस्ट मान लो पीछे कनेक्शन लगाते हो तो पता चल जाएगा। अब HDMI पे गए, इसके थ्रू अप एंड डाउन होगा, ये देख रहे हो, इससे नीचे करूंगा उसके थ्रू अप होगा, ये बटन दबाना है आपको, ये ओके वाला हो जाएगा एक तरह से। अब एक तरह से ना जो टेलीविजन होगा वो चलना स्टार्ट हो जाएगा। Absolutely. ये देखिए, अब मैं इसको क्या कहते हैं, अब मैंने ये आपको टेलीविजन का आइडिया लग गया आपको, ठीक है। अगर आपके मन में क्वेश्चन और होगा, टिंकू भैया मैं इसमें भाई यूट्यूब चलाना चाहता हूँ या भाई जैसे भी वाईफाई के थ्रू इसको एक्सेस करें, कैसे इसको कन्फिगर करें, तो इसमें एक बटन है गाइड का, ये देखिए ये गाइड का बटन है। आप गाइड के बटन में जाएंगे, यहाँ पे आप देख रहे हो नेटवर्क आ रहा है, ऐप आ रहा है, स्टोरेज सेट और अबाउट स्टोरेज, और इन सब के बारे में बताना चाहूंगा। इसमें जो रैम है वो 1 GB की है और 8 GB की इसके अंदर बताना चाहूंगा इंटरनल मेमोरी, आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी जो है स्पेसिफिकेशन सब्जेक्ट टू चेंज होता ही है हमेशा। और फिलहाल ये देखिए, नेटवर्क में जाऊंगा, इसी बटन से जाना है। अब ये वाईफाई कनेक्टेड दिखा रहा है, अगर आप ध्यान से देखो, ये देखिए वाईफाई कनेक्ट, यानी कि मैंने इसको हॉटस्पॉट से वैसे अभी फिलहाल टेम्परेरी कनेक्ट किया हुआ है। मैं वाईफाई में जाऊंगा, ये बटन दबाऊंगा, यहां पे जो भी आपका वाईफाई होगा आप उससे कनेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल ये हॉटस्पॉट के थ्रू हुआ हुआ है, और बाकी कनेक्टिविटी दिखाने का ऑप्शन दिखाना था मैंने, वो हो गया है। और इथरनेट पे भी हमें केबल लगाई भी नहीं है। और फिलहाल अब बारी आती है ये, अब होम स्क्रीन पे आते हैं, हम होम स्क्रीन पे आ गए। अब ये देखिए यूट्यूब, ये यूट्यूब है फ्रेंड, ये देखिए मैं बटन दबाऊंगा, ये यूट्यूब का बना हुआ आ जाएगा। आप सर्च करिए अपने अनुसार, जो चलाना है आप चला सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ये यूट्यूब से कनेक्टेड है, कितना अच्छा ऑप्शन है, एटलीस्ट आपको आइडिया लग रहा है। क्लैरिटी की बात करें, क्लैरिटी काफी अच्छी है, क्लियर है, स्मार्ट टीवी है और 32 इंच में, और 2 साल की वारंटी के साथ आता है, मैन्युफैक्चर पॉलिसी के अनुसार वारंटी मिलती है। अगर हो सके तो tulipsmile.com को जरूर मौका दीजिएगा। बाकी मैंने आपको थोड़ा बहुत दिखाना तो वो पूरा हो चुका है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, एटलीस्ट कुछ ना कुछ आइडिया तो लगा आपको प्रोडक्ट के बारे में, जो मैं बेसिक चीज दिखाना चाह रहा था। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक बटन में जरूर क्लिक करना, और ये प्लीज हो सके तो फ्रेंड सर्कल में वीडियो जरूर शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।